बड़े काम है, बड़े काम जैसे अपना जो हॉस्पिटल है वो आज सही तरीके से सेवा कोई माननीय अतिथि द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जिनको मुकंदगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टरों की फोन वो मामला है, अपने 2 करोड़ की जो जिले के पानी की योजना लेके आए थे उसमें श्री वैसे तो मेरा भतीजा है क्योंकि मैं तारा का बात हूँ, मेरे तारा का बात नहीं है, लेकिन खेतों का रोजगार करोड़पति सही साहब ने हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री डॉक्टर राष्ट्रवादी शर्मा साहब का माल्यार्पण द्वारा एवं सपा महिला पीड़ा दिला दी है, उसके अनुसार अपन ने काम किया है और आगे भी जारी रहेंगे इस काम में, लेकिन परिवार के लोग हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी ज्यादा रहने की बड़े काम है। बड़े काम जैसे अपना जो हॉस्पिटल है वो आज सही तरीके से सेवा कोई माननीय अतिथि द्वारा स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जिनको मुकंदगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टरों की फोन वो मामला है, अपने 2 करोड़ की जो जिले के पानी की योजना लेके आए थे उसमें श्री वैसे तो मेरा भतीजा है क्योंकि मैं तारा का बात हूँ, मेरे तारा का बात नहीं है, लेकिन खेतों का रोजगार करोड़पति सही साहब ने हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री डॉक्टर राष्ट्रवादी शर्मा साहब का माल्यार्पण द्वारा एवं सपा महिला पीड़ा दिला दी है, उसके अनुसार अपन ने काम किया है और आगे भी जारी रहेंगे इस काम में, लेकिन परिवार के लोग हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी ज्यादा रहने की।
श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी के द्वारा हमारे नवलगढ़ क्षेत्र के दो ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा हुई है। नवलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष से राजेंद्र जी राठी और मुकुंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष से श्री दिनेश जी सुंडा आज हमारे मुकुंदगढ़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज सुरोलिया गेस्ट हाउस में इन दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष जो हमारे इनके ब्लॉक के अध्यक्ष हैं उनका आज नागरिक अभिनंदन रखा गया और आज रणनीति पे चर्चा की गई किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से पार्टी की रीति नीतियों को आम जनता तक लेके जाना है, कैसे आम जनता को समस्याओं से निजात दिलाना है। ऐसे आज हम लोग चेयरमैन साहब की यहाँ पे अध्यक्षता में हम सभी पार्षदों ने, सभी गणमान्य लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पे काफी विस्तृत चर्चा की और मैं मेरी तरफ से हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दोनों हमारे गहलोत साहब और पायलट साहब के नेतृत्व में उनके जो भी इच्छाएं हैं राहुल गांधी जी की उनको ये पूरी करेंगे, संगठन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। काफी लोग यहाँ पे आए, अपनी अपनी समस्याएं बताई जिनका निस्तारण कुछ का किया है, कुछ का भविष्य में करेंगे, लेकिन इतना मैंने भरोसा दिलाया कि और 5-6 महीने की बात है, उसके बाद के अंदर जब राज आ जाएगा तो जो भी समस्याएं हैं, जो रुके हुए काम है सरकार के अंदर, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो या और कोई भी समस्या हो, उसको हम लोग उसका निराकरण करके लोगों को राहत पहुंचाएंगे। जो माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने और सचिन जी पायलट ने जो ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है उसके संदर्भ में आज मुकुंदगढ़ ब्लॉक में एक अभिनंदन समारोह हुआ, साथ में चर्चा हुई है कि जल्दी ही हम पूरी ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाएंगे और कांग्रेस को कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत, वैसे तो हम अपने क्षेत्र में मजबूत है, अपन आप लोगों ने देखा है विपरीत परिस्थितियों में अपने नवलगढ़ में दोनों नगर पालिकाएं कांग्रेस की थी, जिला प्रमुख कांग्रेस के, 500 जिला परिषद सदस्य अपने कांग्रेस के बने हुए हैं, उसके बाद भी लेकिन नवयुवकों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, बाकी जो कुछ लोग आपस में ग्रुपबाजी में बटे हुए थे उन सबको एक मंच पे लाके अब ये पूरी कार्यकारिणी के साथ नया काम किया जाएगा और विस्तार पूर्वक इस विधानसभा इलेक्शन तक मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे बड़ी कार्यकारिणी हम लोग नवलगढ़ विधानसभा से जो ये शक्ति है चल रहा है उसमें जोड़ के और राजस्थान में एक उदाहरण पेश करेंगे। जो माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने और सचिन जी पायलट ने जो ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है उसके संदर्भ में आज मुकुंदगढ़ ब्लॉक में एक अभिनंदन समारोह हुआ, साथ में चर्चा हुई है कि जल्दी ही हम पूरी ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाएंगे और कांग्रेस को कैसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत, वैसे तो हम अपने क्षेत्र में मजबूत है, अपन आप लोगों ने देखा है विपरीत परिस्थितियों में अपने नवलगढ़ में दोनों नगर पालिकाएं कांग्रेस की थी, जिला प्रमुख कांग्रेस के, 500 जिला परिषद सदस्य अपने कांग्रेस के बने हुए हैं, उसके बाद भी लेकिन नवयुवकों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना, बाकी जो कुछ लोग आपस में ग्रुपबाजी में बटे हुए थे उन सबको एक मंच पे लाके अब ये पूरी कार्यकारिणी के साथ नया काम किया जाएगा और विस्तार पूर्वक इस विधानसभा इलेक्शन तक मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे बड़ी कार्यकारिणी हम लोग नवलगढ़ विधानसभा से जो ये शक्ति है चल रहा है उसमें जोड़ के और राजस्थान में एक उदाहरण पेश करेंगे।